हाय फ्रेंड्स, जय माता दी। और मैं हूँ अभी चलगली महामाया मंदिर, जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भंडारे का आयोजन भी किया गया है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत ही अच्छा और बहुत ही अच्छा मौसम भी क्या हुआ है, आप देख सकते हो माता रानी का दरबार। और यहाँ पीछे मेरे मंदिर है, बहुत ही अच्छा मंदिर है। और बाहर में मेला लगाया हूँ, उसको भी आपको दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लग रहा है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे पीछे में देख सकते हो आप, बहुत लंबी लाइन लगी हुई है दर्शन के लिए महामाया चलगली मंदिर। और मैं हूँ अभी शंकरगढ़ में। तो फ्रेंड्स, अभी इधर आप देख सकते हैं, यहाँ भंडारा हो रहा है। जय माता दी। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग चैनल। और फ्रेंड्स, मैं आया हूँ अभी चलगली महामाया मंदिर, जो कि शंकरगढ़ में स्थित है। आप देख सकते हो कि बहुत प्यारा सजा है माता का धाम। ये एक छोटी मंदिर है फ्रेंड्स, बट इनकी महिमा बहुत निराली है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे भंडारे का आयोजन भी किया गया है, माता रानी का दरबार भी बहुत प्यारा सजाया गया है, और रात में तो ये और भी प्यारा देखने लायक होता है। फ्रेंड्स, अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि यहाँ माता रानी का मंदिर कितना प्यारा सजा हुआ है। छोटी मंदिर है मगर ये तो यहाँ पे बलि का भी प्रथा है, यहाँ पे बलि का प्रथा है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो में भीड़ है फ्रेंड्स, और आप देख सकते हो कि माता रानी के दरबार पे सबसे पहले आरंभ होती है, और पंचमी से ही यहाँ पर पट खुल के नए कलेवर के साथ माता जी यहाँ पर विराजती हैं। और क्षेत्र के सभी जो हमारे ग्रामवासी हैं, जनजाति समाज के लोग हैं, उनकी व्यापक आस्था इस मंदिर में है। और अभी से ही शक्ति पूजा, बलि, ये सारी चीज़ें आरंभ हो जाती हैं पंचमी से। तो एक तरीके से जो दुर्गा पूजा और जो नवरात्र है चैत्र का, उसमें ये जो शारदीय नवरात्र जो है, उसमें ये परंपरा जो है वर्षों पुरानी चली आ रही है, और उसकी शुरुआत आज यहाँ पर होती है। व्यापक हज़ारों श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, और शाम तक दर्शन होता है, और शाम को पट बंद होता है, फिर कल से आरंभ होता है। तो यहाँ पर नवकन्या भोजन और उनका पूजन और भंडारा और मेला सब आयोजन होता है। मैं सभी क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, और जगत जननी महामाया की कृपा सभी पर बनी रहे। जय माता दी। आज नवरात्रि का पांचवा दिन है, और यहाँ महामाया मंदिर में आज भंडारा का प्रोग्राम रखा गया, जो जिन अनुराग बाबा के सृजन और अमिताभ बाबा के सृजन से रखा गया है। और यहाँ बहुत दर्शनीय स्थान है और बहुत बढ़िया जगह है, और माता रानी का कृपा है, और भक्तों की बहुत भीड़ लगी हुई है, और यहाँ आज मेला भी लगा हुआ है।
और यहाँ दर्शन करने वाला स्थान है, और इसलिए यहाँ से जय माता दी, जय माता दी। रामविलास ग्राम महुआडी चरगली का कोटवार में हूँ, और मैं आज मेरा ड्यूटी हो रहा है महामाया चरगली में, माँ के दरवाजे में 5 दिन हो गया। जय माता दी। आप आज हमारे यहाँ चलगली महामाया मंदिर में पंचमी की पंच पूजा की जा रही है। ये वर्षों पुरानी परंपरा है, जिसमें यहाँ के राजघराने से पहले पूजा की जाती है, उसके बाद आम नागरिकों के लिए खोला जाता है पाट। यहाँ साथ ही साथ प्रति वर्ष भंडारे का आयोजन किया जाता है, तथा सभी ग्रामवासियों का और सभी भक्तजनों का यहाँ सहयोग मिलता रहता है। यहाँ पिछले कुछ वर्षों से लगातार एक नई शुरुआत की गई है, जिसे हम अखंड मनोकामना ज्योति कलश कहते हैं, जिसमें प्रत्येक श्रद्धालु अपनी इच्छा अनुसार अपने नाम से, अपने परिवार के नाम से यहाँ अखंड मनोकामना ज्योति कलश प्रज्वलित कराते हैं, तथा माता का आशीर्वाद देते हैं। जय माता।
आते टाइम ले लिया था रे।